गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार ग्रुप की शुरुआत करने वाले हैं और एक बहुत ही लाजवाब चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो कल के होमवर्क के क्वेश्चन से पहले जिन 5 लोगों ने अपना आंसर सबसे पहले कमेंट किया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया आदित्य महकाली, सेकंड नंबर पर पुष्पेंद्र चौरसिया, थर्ड नंबर पर हेमंत बाथे, फोर्थ नंबर पर पलक सोनी और फिफ्थ नंबर पर अपना आंसर कमेंट किया नीलू, रावड़ी नीलू ने। दोस्तों, अगर आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद सबसे पहले अपने होमवर्क का आंसर कमेंट करें। तो अब हम चलते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन क्या था कि किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भरता है, ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भरता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब इसे बंद कर दिया गया और अब 4 मिनट के बाद टब भर गया, तो ज्ञात करें कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। देखिए इसमें क्या है, एक ठंडे पानी का नल है तो उसे मैं क्या मान लेता हूं, कोल्ड मतलब सी, शॉर्ट में सी लिख देता हूं, सी वाला नल है वो इसे 10 मिनट में खाली करता है। और एक हॉट नल है जिसमें गर्म पानी आता है, गीजर टाइप का होता है, तो इसमें कितना है 15। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले जिससे हमें टब की क्षमता पता चले। तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा 30 और इसकी क्षमता कितनी आएगी ठंडे वाले पानी की नल की 2, सॉरी इसकी कितनी आएगी 3 और इसकी कितनी आएगी 2। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमने दोनों नल चालू करके और हम चले गए, ठीक है ना, और हमने ये सोचा कि ये टब कितनी देर में भर जाएगा। उस समय हम वापस आए तो हमने क्या देखा कि गलती से एक निकासी नल खुला रह गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो उस समय वापस आए हम जब टब को भर जाना चाहिए था। तो आप मुझे एक बात बताएं दोस्तों, ये जो टब है ये 30 लीटर का है, 30 यूनिट का है, तो अगर इस टब को हम भरेंगे तो कितने समय में भरेंगे। तो आप कहेंगे सर 30 यूनिट का ये टब है और कब भर जाना चाहिए था। तो आप देखेंगे दोनों नल अगर चलेंगे तो 3 पानी ये डालेगा, 2 पानी ये डालेगा, दोनों मिलके पानी कितना डालेंगे 5। तो 5 यूनिट पानी एक बार में जाएगा तो इस तरह से टब हमारा 6 मिनट में भर जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम 6 मिनट बाद लौटे तो हमने देखा टब भर जाना चाहिए था, लेकिन क्या देखा कि गलती से निकासी पाइप खुला रह गया और अब हमने उसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट में टब भर गया। यानी अब टब कब भरा है 4 मिनट में। तो आप कहेंगे सर तो ये दोनों नल तो चल रहे हैं अभी भी ठंडे और गर्म पानी के, तो इनकी क्षमता कितनी है दोनों की 5 और आप इन्हें 4 मिनट तक चलने दें, तो 4 मिनट तक चलने देंगे तो पानी अंदर कितना जाएगा। आप कहेंगे सर 20 यूनिट पानी जाएगा। ठीक है तो अब आप बताइए ये 20 यूनिट पानी हमने एक्स्ट्रा चलाया है कि नहीं चलाया। तभी तो, अगर वो नल नहीं खुला होता तो ये नहीं चलाना पड़ता, तो वो भर जाता। तो इस 20 यूनिट पानी को उस एम्प्टी वाले पाइप ने, खाली करने वाला पाइप था, मान लीजिए उसको मैं ए मान लेता हूं, वो ए पाइप था, तो उस ए पाइप ने इस 20 लीटर पानी को या 20 यूनिट पानी को कितने मिनट में खाली किया था, मतलब चलता रहा था। तो आप कहेंगे सर 6 मिनट तक, क्योंकि टब 6 मिनट में भर जाना चाहिए था तो वो गलती से खुला रह गया। तो अगर आप इसको 6 मिनट से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 10/3। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आई ए वाले नल की। तो बस अब आपसे यही पूछा है कि ये वाला जो नल है ए खाली करने वाला, ये उस पूरे टैंक को कब खाली करेगा। तो आप जानते हैं 30 लीटर की टंकी है हमारी, अगर 30 लीटर की टंकी है और आप 10/3 क्षमता से अगर आप खाली करेंगे, 10/3 से 3 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, 0 से 0, 3 से 9, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ ना, एक बार देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे पहले बोला गया था कि दो नल लगे हैं हमारे यहाँ, दोनों ही भरने वाले हैं, एक कोल्ड है तो मैं उसको सी लिख देता हूँ, कोल्ड कितने में भरता है 10 मिनट में, और जो हॉट नल है गर्म पानी आता है वो कितने में भरता है 15 में। तो हमने सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, और एलसीएम कितना आ गया इसका 30, और इसकी क्षमता आ गई 3 और इसकी क्षमता आ गई 2। ये तो हमने कई बार इतना क्वेश्चन किया हुआ है। अब आगे इस क्वेश्चन में केवल इतनी बात थी कि एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब इसे भर जाना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों नल एक साथ चलेंगे तो कितना पानी जाएगा अंदर एक बार में, 5, और 30 पानी है, 30 यूनिट पानी हमें डालना है, और एक बार में आप 5 पानी डालेंगे तो कितना समय लगेगा आपको, 6 मिनट। यानी 6 मिनट के बाद वो लौटा और उसने क्या देखा कि इन दोनों पाइप के साथ एक पाइप और, उसका नाम मैं ए देता हूं, कि एक पाइप और है वो गलती से खुला रह गया जिसके कारण टंकी नहीं भर पाई, तो अब उसे बंद कर दिया गया और 4 मिनट में टब भर गया। यानी आप कह सकते हैं सर अगर दोनों नलिए चलेंगे तो 4 मिनट में कितना पानी डालेंगे, तो आप कहेंगे 20 यूनिट पानी, 20 यूनिट पानी डालेंगे और ये टब अब भर गया है। तो ये जो 20 लीटर पानी इन दोनों के द्वारा गया है ये वही पानी है जिसे ए ने निकाला होगा, और कितने समय में निकाला होगा, तो आप कहेंगे सर 6 मिनट तक, ये भी चलता रहा है गलती से खुला है तो 6 मिनट में इस 20 पानी को अगर आप इससे निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 10/3, ये इसकी क्षमता है। अब आप बताइए 30 लीटर की टंकी को 10/3 को मैं ऊपर लिख देता हूं तो कितने मिनट उसको लगेंगे, 9 मिनट में ये खाली हो जाएगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने आज के नए एक ग्रुप की तरफ जिसका नाम है परसेंटेज ग्रुप, जिसका नाम है परसेंटेज ग्रुप। ये एक बहुत ही शानदार और लाजवाब ग्रुप है। परसेंटेज को मैथ की एक बेसिक नीव भी माना गया है ना, तो अगर आपने परसेंटेज के कंसेप्ट और लॉजिक को समझ लिया तो ये मान लीजिए आपका 50-60% मैथ आपका कवर हो जाएगा। तो क्या है परसेंटेज, कैसे हम परसेंटेज को पढ़ेंगे, और परसेंटेज में हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इस तरह से हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज होता क्या है, तो देखिए परसेंटेज का साइन सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल क्या है, ये परसेंटेज का सिंबल है। अगर आप इसे सही ढंग से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जीरो को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी 100, कोई भी चीज 100, यानी दुनिया में जो भी चीज़ है वो अपने आप में 100% है। मान लीजिए एक क्लासरूम में अगर 5 बच्चे बैठे हैं तो वो 5 के 5 बच्चे अपने आप में 100% हैं, और अगर उसी क्लास में अगले दिन 15 बच्चे हो जाएं तो वो 15 बच्चे भी अपने आप में 100% होंगे। मतलब इस दुनिया में हर चीज़ 100% है, ठीक है। तो हमें परसेंट को पढ़ना है, मतलब इस साइन को पढ़ना है, तो इस साइन को पढ़ने के लिए केवल हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, और आपका परसेंट पूरा उसी पर आधारित है। क्या कि परसेंटेज को हम कैसे निकालें, परसेंट कैसे निकालें, एक तो ये पढ़ना है, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं परसेंटेज कैसे हटाएं, कैसे हटाएं। अगर आपने ये दोनों चीजें कंसेप्ट को समझ लिया, लॉजिक को समझ लिया, आपका परसेंट पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, और परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, बस ये 2 चीजें हैं, ठीक है। परसेंट कैसे निकालते हैं, कोई कहता है परसेंट निकालिए तो हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिट का अगर वो पूछे परसेंट निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू अपने आप में परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई पूछे परसेंट का हटाना है, मैं परसेंट के सिंबल को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए परसेंट का सिंबल ये है, अगर आप देखेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम हटाएंगे, सिंपल। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आपने कई बार परसेंट निकालते कैसे, तो आपने देखा होगा हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, अभी जैसे उनके रिजल्ट आने वाले हैं बोर्ड के, तो अगर मान लो किसी का एक एग्जाम, मान लीजिए 600 का टोटल है उसका, ठीक है ना, 600 का टोटल है, और मान लीजिए अगर उसके 480 नंबर आए हैं, 480 नंबर टोटल उसने ऑब्टेन किए हैं, तो वो पूछता है कि भैया हमारी परसेंट बता दीजिए कितनी परसेंट बनी। तो हम क्या करते हैं कि 480 नंबर आए जो प्राप्तांक है उन्हें ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल था उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए
करते हैं ना, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब आप 0 से 0 को काट देंगे, एक 0 से ये 0 भी कट जाएगी, और 6 से इसको काटेंगे 8, और एक 0 यानी उसकी कितनी परसेंट मानी जाएगी, 80%। ठीक है, 80% उसकी बन गई है जो भी है। अब आपको मैं एक बार और बताता हूं कि कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है, तो वो 100% होती है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं एक का मान बताओ, एक यूनिट का मान परसेंट में निकालो, तो आप कहेंगे सर परसेंट में निकालना है, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके इसको यहां लिख देता हूं 100%। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई पूछे चार का मान बताओ, तो 4 × 100 यानी 400%। किसी भी चीज की अगर वो वैल्यू परसेंट में पूछता है, तो हमें उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कंसेप्ट है। अगर यही मैं आपसे कह देता हूं कि मुझे तो 2 यूनिट का मान बताओ परसेंट में, तो आप 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को ही क्यों, क्योंकि परसेंट है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 यूनिट का मान हो जाएगा 200%। और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये साइन पीछे आ जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक था, तो अब मैं कहता हूं कि 1/2 आधा कितना होगा, तो अब आप लॉजिक को समझिए। यहां से आपको जरूरी नहीं है कि बार बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़े या बार बार 100 का डिवाइड करना पड़े। हमें पता है कि एक यूनिट का मान 100 है, तो आधे यूनिट का मान कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि सर आपने कहा है 100 से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सही बात है, तो 1/2 × 100। तो अब आप देखेंगे ये इसको काट देंगे तो ये कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 50 और परसेंट का साइन लग जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप लॉजिक से भी देखिए चीजों को, दिमाग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आप जितना आप माइंड को कैलकुलेटिव करेंगे, उतनी ही आपकी पेन को कम चलाइए, माइंड से कैलकुलेशन ज्यादा की। जैसे एक यूनिट का मान 100% है, तो आधे का कितना होगा, आप कहेंगे सर 50%। ठीक है ना, अगर मैं यही आपसे कहूं, अब देखिए ये जो चीजें हैं ये सारी परसेंट में है। अब मैं परसेंट की वैल्यू को, अगर मैं आपसे पूछूं 100% का मान कितना होता है, लीजिए अब आपसे मैं क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूं, 100% का मान भिन्न में बताएं कितना होता है, इंटीजर में। तो आप कहेंगे सर अब मुझे इस परसेंट को हटाना, और परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी चीज का परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 100 को और परसेंट हटाएंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यही तो है परसेंट हटाने के लिए। तो आंसर कितना आएगा इसका, 1, मतलब 100% का मान 1। अगर मैं पूछूं 50% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 50% का मान निकालने के लिए 50 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, केवल दो ही चीजें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं करना है, आपका परसेंट ये मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूं, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2। अगर कोई पूछे 50% का मान कितना है, 1/2 यानी 2 में से 1। अगर यही मैं आपसे बात करूं कि 25% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे देखिए दोस्तों आज की ये क्लास है वो बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिनने कभी पहले कंपटीशन मैथ को पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने आज भी शुरुआत की हो इस चैप्टर की, तो ये मानिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते करते, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। आज की ये क्लास बेसिक है, जब ये परसेंटेज खत्म हो रहा होगा, तो अब आप खुद इस चीज को समझ पाएंगे कि हमने किस तरह से इसकी बेसिक की शुरुआत करी और धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते हम हाई लेवल तक आ गए। अब देखिए 25% का मान इंटीजर में कितना होगा, तो अब आपको क्या करना है, अभी तो शुरुआत की क्लास है, तो वही बात है सर परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो 25 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 1/4 यानी 4 में से 1। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं 20% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, तो इसको डायरेक्ट काटेंगे 20 एकम 20, 20 से 5 100। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं यही बात करूं आपसे कि 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, अब बताइए आप इसका आंसर, इंटीजर वैल्यू मतलब इसकी क्या होगी। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी समस्या लोगों को आती है कि सर अभी तो आपने सिंपल हमें जो वैल्यू दी थी वो नॉन मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी, तो हमने परसेंट हटा के 100 से डिवाइड कर दिया, क्या इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और करेंगे, और वो ये है कि इस वैल्यू को पहले हम
फ्रैक्शन में बदल लेंगे पूरी तरह से। तो आप देखेंगे 12 दूनी 24 और 1 25, ऐसे तो करते हैं, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 और 1 25 बटे कितना हो जाएगा 2। लेकिन अभी भी परसेंट लगाया ही है ना, तो इसका अब क्या करें, अब वही करना है जो अभी तक हम करते आए हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखेंगे 25 एकम 25 25 से कितना 4 और 4 दूनी कितना 8, यानी आप कहेंगे सर 12.5% का मान 1/8 होता है। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी इतनी वैल्यूज बार बार इतनी वैल्यू आएंगी कि आपको ये वैल्यू जो फ्रैक्शन में है ये आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी ये आपको चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई भी चीज़ होती है। आप बार बार जब इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे 12.5% 12.5% तो आप समझ जाएंगे 1/8, ठीक है ना। इसी तरह से आप 25% देखेंगे तो 25% का कितना होगा 1/4। तो आप जब बार बार इन वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये प्रैक्टिस से आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, रट जाएंगी। केवल इन दो बातों का आपको याद रखना है, हमें केवल इन दो बातों का ध्यान रखना है, क्या कि परसेंट को कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट हटाएंगे कैसे, 100 से डिवाइड करेंगे। बस अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली तो ये मान लीजिए आपका मैथ कंप्लीट है 50 से 60%। अब मैं और भी आपको बहुत सारी वैल्यूज़ बताने वाला हूँ, और फिर जितनी वैल्यू आगे क्वेश्चंस में आएंगी उनको भी मैं धीमे धीमे आपको डिफाइन करूँगा, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि 25% का मान कितना होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, 25% का मान होता है 1/4, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 75% का मान कितना होगा, तो एक तरीका तो ये है कि आप परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लीजिए, एक तरीका ये कि लॉजिक से भी चीजों को समझिए। देखिए 25% का मान 1/4 है, यानी 4 में से 1, तो 75% का मान कितना होगा, तो मुझे तो 25 का पता है सर, 1/4 होता है, आप तो इतना मानिए। देखिए 25 से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 25 से डिविजिबल है और 25 का ही एक पार्ट है ये, तो मुझे तो सर 25 का पता है, आपने बताया 1/4, 75 का क्या होगा सर। तो देखिए 25 का ये कितना गुना है, कितना टाइम है, तो आप कहेंगे 3 गुना है सर, ये तो हमें दिख रहा है, तो बस अब आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। 25 का मान अगर 1/4% है तो 75 का कितना होगा, तो सर 25 का 1/4 है, 75 उसका 3 टाइम है, यानी 3 गुना, तो ये 75 का कितना हो जाएगा 3/4। और आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25% हटाएंगे तो नीचे 100, 25 से काटेंगे 25 3 75 और 25 4 100, बात वही आई। लेकिन लॉजिक से इन चीज़ों को अज्यूम करेंगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर हम, देखिए अगर मैंने आपको बताया कि 20% का मान कितना होता है, तो आपने अभी अभी यहीं कहीं निकाला होगा, देखिए कितना है 1/5, सर 20% का मान 1/5 हमने निकाल लिया। अब यहीं अगर मैं आपसे 40% का मान पूछता हूँ कि 40% का मान कितना हो, तो आप कहेंगे सर हमें तो 20 का मान पता है, 20% आपने बेसिक बताया ये हमें पता है, तो अब आप बताइए 40% का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 20 का 2 गुना है, तो हम इसको भी 2 गुना करेंगे, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर 1 है तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/5। आया समझ में, सरल है ना चीजें। देखिए हम जैसे जैसे चीजों को समझ रहे हैं चीजें हमें सरल, टफ और कठिन और सरल में क्या अंतर है, टफ़ और इजी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो चीज़ हमें पता होती है वो हमें इजी लगती है, जो चीज़ नहीं पता होती है वही टफ होती है। तो अब आप देखिए अगर मैं यहीं आपसे 60% का मान पूछूं कि 60% का क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 20% का मान तो 1/5 है, और ये 60 कितना है इसका, तो आप कहेंगे सर सिंपल दिख रहा है ये तो 20 30 60, तो अब आप कहेंगे 1/5 नहीं होगा, अब वो होगा 3/5। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे 80% की बात करूं, तो आप कहेंगे सर 80 इसका 4 गुना है, यानी 4/5, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इनकी फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी है कि बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी। अब मैं आगे और भी बताता हूं, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% का मान,
तो अब आप क्या करेंगे, इसका परसेंट कैसे हटाएं? हटाना वही है, 100 का डिवाइड करना है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करेंगे। 16 तीन 48 और 2 50/3, 50/3, और आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग, यानी 50 से काटेंगे ये ऊपर 1, 50 से काटेंगे नीचे 2, यानी ये कितना आएगा, 1/6। यानी जब भी कभी 16%, 16 से 2/3% की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे उसे, 1/6। और भी बहुत सारी वैल्यू है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं 33/1/3% का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 33 3 99 और 100, 100/3 करेंगे और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 1/1। ठीक है, ऐसे और भी वैल्यू है, जैसे अगर मैं आपसे, मैंने अब ये परसेंटेज की, जैसे मैं और भी बात करूं कि 6 सही 1/4% का मान कितना होता है, 6 सही 1/4% का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चंस धीमे धीमे इनके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो अब आप किसी वैल्यू को कर सकते हैं, और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इतनी सारी इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये वैल्यू रट जाएंगी। कोई बोलेगा 16 सही 2/3%, आप कहेंगे 1/6। कोई कहेगा 12 सही 1/2%, तो आप कहेंगे 1/8। अगर मैं बात करता हूं कि 6 सही 1/4, तो इसको कैसे करेंगे, वही उसी तरीके से, 6 चौके 24 और 1 25/4, लेकिन अब आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 भी आएगा, तो 25 से इसको काटेंगे 1, 25 से इसे काटेंगे 4, और 4 से 4 कितना, 16, यानी आप कहेंगे सर 1/16 इसका मान होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि 12.5% का मान कितना होता है, देखिए पीछे की क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि 12.5% का मान कितना होता है, यहां निकाला था हमने और इसका आंसर आया था 1/8। ठीक है, तो अब आप देखिए 12.5%, इसको मैं 12 से 1/2 भी ले सकता हूँ, 12.5 भी ले सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, 12.5% का मान कितना है, तो आपने कहा सर मैंने अभी अभी सीखा है 1/8। अगर मैं आपसे यहां 37 सही 1/2% की बात करूं तो ये कितना होगा, तो अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 12.5 का इससे कुछ रिलेशन है, आप कहेंगे सर दिख रहा है कुछ, 12.5 दूनी याद एक काम करिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, और आधे का 3 गुना कितना, 1.5, तो देखिए 37.5 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते, 12.5 = 12.5 = 25, 12.5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 37 से 1/2, यानी आप क्या कहेंगे, इसका इससे रिलेशन है, और कितना गुना है ये, 3 गुना, तो जो 1/8 मान है वो कितना होने वाला है, 3/8। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो एक दिन की क्लास पूरी चली जाएगी। हमने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, अगर आप एक चीज उसमें और कर लीजिए, देखिए जो ये वैल्यूज हैं अगर आप इनको वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पता है आपको यही वैल्यू मिलेगी, ये वाली। सर कैसे, एक बार प्रूफ करा दीजिए। देखिए 1/6 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है सर, परसेंट में बताना है, इसका मतलब सर ये 100 से मल्टीप्लाई होने वाला है, बिल्कुल सही, और अब साइन लग जाएगा परसेंट का, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6 कितने बचे, 4, तो ये 40 हो गए, 6 से 6 कितना 36, 4 से इस बचे और 6 से डिवाइड कर रहे थे और परसेंट बन गया, तो आप देखिए इसको भी काटेंगे तो ये 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3, तो 16 सही 2/3%। ठीक है ना, आई होप कि इन वैल्यूज को आप परसेंट में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, और जो परसेंट को हटाना है तो उसको भी आप सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं। नहीं होगा तो मैं एक काम करूं, कल की क्लास में आपको एक चार्ट दे दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप घर पर उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन में ये वैल्यू, ये मान लीजिए कम से कम 50-50, 100-100 बार आने वाली है ये वैल्यू सारी, और ना ही इसमें परसेंट में बल्कि टाइम एंड वर्क ट्रेन जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चैप्टर्स हैं हमारे एडवांस और अर्थमेटिक, सब में यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आप इनके और भी ज्यादा वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो उसको मैं कल की क्लास में पूरा एक चार्ट बना के आपको समझा दूंगा, है ना, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू को परसेंट में निकालने के लिए, आपको समझ में आ गया सर परसेंट कैसे निकालते हैं, सर हमें तो पता है परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं और धीमे धीमे क्वेश्चंस से शुरुआत करते हुए चलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलते हैं हम अपने, देखिए परसेंटेज का, ये परसेंटेज का पहला टाइप है और पहला क्वेश्चन है,
तो हम यहां से शुरुआत करते हैं और लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37 सही 1/2 यानी 37.5% जोड़ दिया जाए तो परिणाम यानी रिजल्ट कितना बनता है 1320। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या होगी, देखिए तो मूल संख्या क्या होगी। तो अब हम सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या में 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। सबसे पहले क्या करें सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आपको इस चीज से निपटना है, इससे बात करनी है। आ जाओ भैया लाइन में आ जाओ, 1/2%, इसको परसेंट में हटाना है हमें। अच्छा परसेंट हटाना है, याद आ रहा है कुछ, कितना 100। तो पहले उससे क्या करें सर, इसको पहले इसको इससे निपटेंगे। लेकिन वैसे तो अभी अभी मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। 37 × 2 = 74 और 1/75 यानी 75/2। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 25 × 3, 25 × 4 और 4 × 2 = 8। देखिए वही वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, 3/8। अब आप देखिए, किसी संख्या में स्वयं का 37.5% जोड़ दिया जाए, यानी हमारी बेस वैल्यू ये होती है, मूल संख्या हमेशा नीचे की होती है, इतना तो आप सब जानते होंगे। तो इसमें कितना जोड़े सर, किसमें कितना जोड़ना है, अब हमें इससे मतलब ही नहीं है, हटाओ इसको, हमने तो इसको किस में बदल लिया, फ्रैक्शन बदल लिया, अब इसको हटाओ। 8/3 की बात चल रही है, अब जोड़ने की होगी तो जोड़ देंगे, घटाने की होगी तो घटा देंगे। तो 8 में हम 3 जोड़ें तो कितना बनेगा हमारा रिजल्ट, आप कहेंगे सर परिणाम बनेगा 11, पर ये 11 नहीं है, कितना है, 1320। तो आप देखेंगे 8 × 2 = 11, 22 और ये 0, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 120, 1 यूनिट का मान। तो अब आपसे पूछा गया मूल संख्या बताएं, मूल संख्या कौन सी है सर, ये नीचे वाली मूल संख्या। अगर एक पेन की कीमत 120 है तो 8 पेन की कितनी होगी, आप कहेंगे सर 12 × 96 यानी 960। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, देखिए 37.5% सर, 37.5% हमें याद आ रहा है 25 × 3 है, तो 25% का मान सर हमें पता, सॉरी 12.5% का मान सर हमें पता है 1/8 होता है, और 37.5% का मान कितना होगा सर, ये इसका 3 है यानी 3/8। ये हमेशा याद रहे, ये मूल संख्या होगी और उसकी जो बात चल रही है वो उसके ऊपर है। अब अगर वो जोड़ने की बोल रहा है, देखिए लिखा है ना जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ेंगे, अगर वो बोले कि घटाना है तो हम घटा देंगे। तो 8 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका आंसर, 11, पर ये 11 नहीं है, ये तो भैया ये कितना है, इतना। तो 11 से काटेंगे, 11 × 11 = 11, 11 × 2 = 22 और 0 × 0 सर, एक पेन की कीमत हमें पता चल गई, 1 यूनिट का मान मिल गया 120। तो अब आपसे जो पूछा गया वो आप बता दीजिए, पूछा जाए मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या तो ये 8 है और 12 × 8 कितना होगा 96। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो कितना जोड़ा गया, तो जोड़ा कितना गया था, देखिए ऊपर 3 जोड़ा गया था। तो अब आप बताएंगे 1 यूनिट का मान 120 × 3 का कितना होगा, 12 × 3 = 36 यानी उसका आंसर फिर कितना होगा, 360। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि वो सभी के सभी लाइक करेंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो टेंशन बिल्कुल ना लें आप, क्यों, क्योंकि अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसके हमें कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं। तो जब आप इसको धीमे धीमे समझेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे क्लास को आगे, तब आप समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या में, देखिए क्या बोला, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 × 2/3%, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, कुछ याद आ रहा है, 16 × 2/3%। अगर आप देखिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, पहले मैंने आपको समझाया 16 × 2/3 कितना था, 1/6। अगर आप कहेंगे नहीं सर हमें तो याद नहीं आ रहा, अभी शुरुआत है हमें कैसे याद आएगा जल्दी, वैसे हमारे पास जिंदगी में इतनी सारी टेंशन है सर,
जॉब नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं आ रही, और भी बहुत सारी पर्सनल लाइफ है आपकी, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है तो आपको याद नहीं है, लेकिन धीमे धीमे जब हम किसी को बार बार जानने लगते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि उससे भी हमारी जान पहचान हो जाती है। तो इस 16 से 2/3% से भी हम जान पहचान आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार। कैसे? तो आप कहेंगे 16 से 2/3% ही लिखा है सर, सबसे पहले तो हम इससे निपटेंगे। आपने कहा है सबसे पहले इससे बात करेंगे, तो 16 * 3 = 48 और 2 = 50/3। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, 50/3। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनको डायरेक्ट करेंगे, 16 से 2/3% आप समझ जाएंगे। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो आप देखेंगे 0 0, 5 * 1 = 5, 5 * 2 = 10 और 2 * 3 = 6। यानी आप कहेंगे सर 16 से 2/3% का मान आ गया 1/6। यानी 6 पर किसकी बात चल रही है? एक की। अब आप देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जोड़ना है, तो हमें मूल संख्या तो यही है। अब 6 में 1 जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं सिंपल है, कितना आ जाएगा? 7। पर ये 7 नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 49 56। तो मैं इसको यहां लिखता हूँ 4 9 5 6। अब 7 से इसको काट लीजिए, 7 से 7 49, इससे भाग नहीं जा रहा है। देखिए कई लोगों को छोटी छोटी, अब मैं बेसिक क्लास तो है नहीं, बच्चों की तरह आपको पढ़ाऊं, कुछ लोगों को भाग देने में भी दिक्कत आती है, कुछ 2-4-5% होते हैं हर क्लास में। तो 7 से 49 कट गया ना, ये हटा दो। अब इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जिसको बोलते हैं भाग टूटे की बिंदी, तो जिसको बोलते हैं कि अगर मैं 0 ले दूंगा तो इस डिजिट को भी अगर मैं काउंट कर सकता हूँ, तो इन दोनों डिजिट को एक साथ काउंट करेंगे, 7 8 56। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 708, क्योंकि अगर मैंने इसे काट दिया तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया। तो आपसे पूछा गया मूल संख्या बताएं, मूल संख्या बताएं का मतलब होता है यही वाली संख्या, यानी आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 6 से 8, 48 की 8 और भाग हासिल 4, पर चूंकि 0 है तो ये 4 यहाँ आएगा, 6 7 42। यानी 4200 कितना है ऑप्शन? 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जब आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, इन वैल्यूज को समझ जाएंगे प्रैक्टिस से, तो ये क्वेश्चन केवल 2 से 3 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं। कैसे? 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? 16 से 2/3 मतलब 1/6 और 6 में 1 को जोड़ूंगा, तो सीधा क्या लिखेंगे एग्जाम में? सीधा क्या लिखेंगे? 7 7 हो जाता है। तो आप देखेंगे 7 का मान कितना है? 49 56। तो 1 यूनिट का मान अभी हमने निकाला 7 0 1। तो आपको मूल संख्या चाहिए, अगर पूछे तो वो संख्या क्या थी जो जोड़ी गई, तो आंसर यही हो जाएगा, लेकिन पूछे मूल संख्या क्या है, तो मूल 6 थी। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया यदि किसी संख्या में इतना घटा दिया जाए, देखिए अब घटाने की बात आ गई, लेकिन वैल्यू कोई दूसरी है, 6 से 2/3%। इसका तो सर आपने हमें बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, कम से कम 100 वैल्यू है, तो 100 वैल्यू अगर मैं चाहूं तो आज भी समझा सकता हूं, लेकिन कल मैं आपको चार्ट दे दूंगा तो आप घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपको भी चीजें खुद से भी समझ में आएंगी। देखिए मेरे समझाने के साथ साथ जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। सर ये तो नई वैल्यू है, इसको कैसे, इससे कैसे बात करें, इससे कैसे दोस्ती करें? सिंपल है, तो आप क्या करेंगे, 6 सही 2/3% लिख लेते हैं इसको, और परसेंट का साइन है। सबसे पहले तो एक काम करना है, हमें पता है इससे बात करते हो, 6 * 3 = 18 और 2 = 20/3। अगर ये 20/3 है और परसेंट आएंगे तो नीचे 100, तो आप देखेंगे 20 से 1 और 20 से 1 कितना? 5, और 5 * 3 = 15। सर अब हम इससे जान पहचान कर लिए, कितना आ गया? 1/15। तो जब भी कभी 6 से 2/3 आएगा तो आप क्या समझ जाएंगे? सर 1/15 1/15। यानी अब इसमें मूल संख्या क्या है? सर मूल संख्या तो यही होती है हमेशा नीचे, तो 15 में, अब ध्यान रहे इसमें क्या बोल रहे हैं, इसी संख्या से घटा दिया जाए, तो 15 में अब आपको जोड़ना नहीं है, अब आपको 15 में घटाना है। तो 15 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। पर ये 14 नहीं कह रहे हैं सर, ये तो कुछ और कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं? 5 6 7 0। तो मैं लिख देता हूँ 5 6 7 0। आप 14 बराबर इतना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 14 1 14 कितना आया? 14 14 15 70, यानी 14 से 4 बार आएगा, 14 56। और आप देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 70 काउंट करना पड़ेगा, तो 0 × 14 = 70। यानी 1 यूनिट का मान आ गया 405। अब पूछा क्या गया, तो मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या कितनी है? 15, और 15 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 * 75 = 5 * 7 = 7। तो 7 तो लिख दी क्योंकि 0 है, 15 * 4 = 60। यानी मूल संख्या कितनी आ गई?
60-75, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। और जो ये वैल्यू आ रहे हैं, अगर आपको ये याद नहीं हो रही है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अभी तो ये शुरुआत के पहले दूसरे क्वेश्चन है, जब हम इनके 100 क्वेश्चन और मोर देन 100 क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यू आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। 16 से 2/3%, 1/2, 1/6 सॉरी, ऐसे कोई 33 से 1/3 यानी 1/3, ऐसे 6 से 2/3 तो आप कहेंगे कितना, 1/15। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन वही है लेकिन उल्टा दे दिया है। पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, देखिए, किसी संख्या में क्या बोला जा रहा था, ये देखिए, किसी संख्या में इतना जोड़ दें या घटा दें तो इतना बन जाता है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इतना जोड़ दिया गया है, ऑलरेडी जोड़ दिया गया है तो वो संख्या इतनी बन गई है। क्वेश्चन वही है पर जो चीज हम पहले निकाल रहे थे वो इसमें दे रखी है। तो देखिए सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही है, कुछ नहीं करना, इससे बात करनी है, पहले इससे दोस्ती करनी है। सर ये आपने हमें बताई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे। 1/5, 7/1/7%, देखिए अभी नई चीज है ये, तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा लेकिन आएगी जरूर चीजें। सर इसका क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 49, कैरी कितना 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 5 35, 35 और 4 कितना 39, कैरी कितना 3, यहाँ लिख देता हूँ, 7 एकम 7 और 3 10, यानी सर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 1099 आया। उसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 1100 और बटे में 7। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 भी आएगा क्योंकि परसेंट हमने कई बार हटाया है अभी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 11/7। इतना तो सर हमने कर लिया है, इतना आपने हमें समझाया, जितना हमने कर लिया सर, अब आगे कैसे करें क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। अब आप मुझे बताइए ये मूल संख्या कितनी है अभी, 7, ये कितनी हो गई, 11 हो गई, दिख रही है ना, क्यों हो गई, सर इसलिए हो गई इसमें 4 जुड़ गए हैं, 4 जुड़ गए हैं, पर क्या आपने 4 जोड़े हैं, लेकिन जोड़े कितने एग्जामिनर ने, 64, तो 4 यूनिट का मान कितना है 64, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप कहेंगे सर 16, तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी वही ओरिजिनल नंबर लिखा ना, यानी कभी मूल संख्या बोलेगा कभी वास्तविक संख्या बोलेगा, तो वास्तविक संख्या कितनी थी 7, तो 16 × 7 देखेंगे, 16 7 कितना होता है 112 होता है ना, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है लेकिन उल्टा पूछा है उन्होंने, इस बार कुछ और दिया है कुछ और पूछा है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि किसी, अब आप कई लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, कह रहे होंगे सर आज पहली क्लास है और आप ये दे रहे हैं ये सब, देखिए क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत है, आएंगे, ऐसा नहीं है, आएंगे, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हमें बस केवल परसेंट में दो चीज़ सीखी है हमने, क्या सर, हम परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना सीख गए और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना सीख गए, बस। अगर आप ये सीख गए तो ये परसेंट सीख गए, परसेंट ग्रुप सीख गए बल्कि। कैसे, देखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की इतनी हो रही है, 444 से 4/9, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, अभी जैसे हमने किया था 444 सही 4/9, परसेंट लगा देता हूँ मैं, सबसे पहले इसको देख, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 39 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 39, 3996, उसमें 4 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा 4000/9, लेकिन परसेंट नहीं हटाया, परसेंट हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी सर ये हमें वैल्यू पता चल गई 9/40। अब आप देखिए ये मूल वही क्वेश्चन है जो अभी बिल्कुल दिया था, तो अब आपसे बोला गया 930 जोड़ रहे हैं, पहले तो ये देखिए मूल संख्या है कितनी 9, वो कितनी बन रही है 40, क्यों बन रही है, क्योंकि सर आप इसमें जुड़ रहा है 31, पर एग्जामिनर ने 31 नहीं जोड़ा है, एग्जामिनर ने जोड़ा है 930, इसी बात की लड़ाई है, तो 930, तो आप देखेंगे 31 सिक्स को काटेंगे 3 बार कटेगा और जीरो की जीरो लग जाएगी, 1 यूनिट का मान कितना 30,
एक यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया है। तो आपसे क्या पूछा, वास्तविक संख्या बताएं, वास्तविक संख्या यानी वही, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ऑप्शन आप इसमें ठीक कर लेना है, एक ऑप्शन और लिख लीजिए जिसका आंसर कितना होगा 270, 9 3 27 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 270 आएगा। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, किस संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप कई कितने भी तरीके से कर सकते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 कैसे, देखिए पहले तरीक, पहला मेथड, किसी संख्या का 25% कितना है 36, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 36/25, लेकिन हमें वह संख्या चाहिए, वह कौन सी सर, ये क्या है वह, वह मतलब 100%, कोई चीज क्या होती है 100, तो 100 करने के लिए इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये 1% कितना बन जाएगा 100। तो मैथ में तो कोई भी चीज होती दोनों साइड, मैथ में क्या जिंदगी में कोई भी चीज होती है वो दोनों साइड से ही होती है, ठीक है ना। तो 25 से इसको काटेंगे तो ये कितना 4, और 36 चौके कितना आएगा 144, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड मेथड, 25% का मान कितना है इतना, सर आपने हमें 25% का मान फ्रैक्शन में बताया, कुछ याद आ रहा है, अभी अभी की क्लास में बताया, 1/4, मूल संख्या कितनी है 4, बात कितने की चल रही है एक की, मतलब 4 में से एक, मतलब 4 शर्ट हैं, उनमें से एक शर्ट की कीमत कितनी है 36, अगर एक शर्ट की कीमत 36 है तो वह संख्या, वह मतलब मूल संख्या, मूल संख्या भी बोलते हैं, तो 36 4 शर्ट की कितनी होगी सर 144। एक कंसेप्ट और देखते हैं, थर्ड, 25% का मान कितना है 36, सबसे फास्ट तरीका है, वैसे तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, 25% 36 है, तो अब आप देखिए मुझे वह संख्या चाहिए मतलब 100, इसमें मैं कितने का गुणा कर दूं कि ये 25% 100 बन जाए, तो केवल दुनिया में एक ही संख्या है जो इसको 100 बना सकती है, और वो कितनी है 4, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 144। आई होप कि आप ये कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, लॉजिक को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ये परसेंटेज की बेसिक क्लास है, और अभी बाकी की क्लास हम कल करेंगे, कल भी क्वेश्चंस को धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे और धीमे धीमे लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको ये क्लास सच में पसंद आ रही तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। कल कुछ लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास, सर ये क्लास जो जेल प्रहरी की जगह आने वाली एमपी में, क्या उसके लिए पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी आप जितनी भी जो क्लासेज जो भी चल रही हैं, ये क्लास बिल्कुल बेसिक है, और देखिए मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप इसके टाइटल को देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव। अदर कॉम्पिटिटिव मतलब सारे स्टेट के एग्जाम्स आ जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में जो पुलिस की और जेल प्रहरी की जगह आ रही हैं उसके लिए भी ये मैथ कंप्लीट है, और अभी दिल्ली सीपीओ की भी जगह आ चुके हैं, दिल्ली सीपीओ के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें टेस्ट में या फिर इसी चैप्टर में मैं सीपीओ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक ये क्लास समझ में आई होगी, और जो स्टूडेंट मेरी पुरानी वाली क्लासेस देखना चाहते हैं, हमने एक पूरा ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप और सिस्टम, और 3 में से 2 चैप्टर के तो टेस्ट भी हो गए और उनके सॉल्यूशन भी। तो आज लिंक में मैं आपको एक एक चैप्टर की फर्स्ट लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, या चैप्टर का नाम भाई संतोष गुप्ता भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं। दूसरा, आज एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आज से टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले टेलीग्राम की लिंक पर आप क्लिक करना, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, तो अब आगे से आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। बाकी की जो 3 चैप्टर हो गए उनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो उससे आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और वहां से फिर अपने कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, या आप और भी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हैं।
तो आपको यहां तक क्लास समझ में आई है, बाकी की क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।